22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है, लोकसभा चुनाव 2019 की शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं और कल दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो लगातार खबरें आ रही हैं चुनाव को लेकर, और खबरों में चुनाव ज़्यादा है इसलिए लगातार चुनावी खबरें आ रही हैं, हम आपको बता रहे हैं, और प्रत्याशियों के नामांकन की खबरें भी लगातार आ रही है और लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि NDA के कई दिग्गज नेताओं ने, प्रत्याशियों ने अपना नामांकन आज दाखिल किया है, और अब खबर आ रही है कि BSP के प्रत्याशी हैं दीपक यादव, वाल्मीकि नगर से बहुजन समाज पार्टी ने दीपक यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के वक्त पूर्व विधायक हैं बगहा के कामरान अजीज भी मौजूद थे। बगहा के पूर्व विधायक कामरान अजीज के साथ दीपक यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं की लंबा हुजूम कह सकते हैं, काफिले के साथ दीपक यादव नामांकन करने पहुंचे थे, और नामांकन के बाद क्या कहा है दीपक यादव ने, आइए आज हम आपको सुनवाते हैं। नगर की जो लोकेशन है हमारी, वहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए कोई भी वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, और सारे लोगों को, किसानों को और जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके दिल्ली, बम्बई, लखनऊ और पटना, बड़े बड़े शहरों में भेजना पड़ता है अपने बच्चों को। और रुक जाएगी, रुक ऐसे नहीं जाएगी, ये कोई एक मिनट में जादू की छड़ी से नहीं होगा, मगर सरकार का संकल्प होना चाहिए, बजट मिलना चाहिए और वहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए जिससे कि कम से कम बेसिक हायर एजुकेशन बच्चों को मिले। स्पेशलाइजेशन जो बहुत हाई एंड है वो तो आज भी नहीं हो सकती, मगर एक डिग्री कॉलेज जो है सरकारी, अच्छा डिग्री कॉलेज वो होना चाहिए। आपने सुना दीपक यादव क्या कह रहे थे, साफ तौर पर अपनी जीत का दावा करते हुए दीपक यादव, और उन्होंने और क्या क्या बात कही है हमने आपको सुनवा दिया है। तो इस खबर में इतना ही, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।